अयोध्या में जहां भगवान बाल रूप में विराजमान है, वहीं मध्य प्रदेश के ओरछा में श्री राम राजा के रूप में शासन करते हैं। राम भारत वर्ष के कण कण में समाये हैं, लेकिन ओरछा से उनका एक विशेष नाता है और ये नाता करीब 600 वर्ष पुराना है। अयोध्या के रामलला ओरछा के राजा, ओरछा से चलती है राजा राम की सरकार। चारों पहर पुलिस द्वारा दी जाती है सशस्त्र सलामी। ओरछा में हर आमजन है प्रजा, यहाँ शासन चलता है राजा राम का। अयोध्या से मध्य प्रदेश के ओरछा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन इन दोनों ही जगहों के बीच गहरा नाता है। जिस तरह अयोध्या के रग रग में राम है, ठीक उसी प्रकार ओरछा की धड़कन में श्री राम विराजमान है। कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से रामलला को ओरछा ले आई थी। श्री मधुकर शाह जी महाराज जो बुंदेलखंड के राजा हुए हैं, उनकी अर्धांगनी गणेशी बाई जी वो राम भक्त, उस नाते से वो संबंध अवध से और ओरछा का संबंध है। राजा कृष्ण भक्त थे और रानी राम भक्त, दोनों में संवाद हुआ। रानी राम जन्मभूमि रामनवमी पर अयोध्या जाती थी और राजा वृंदावन जाते थे, दोनों में संवाद हुआ। बोले आप हमारे साथ वृंदावन चलो। बोले नहीं, मेरा नियम है मैं अयोध्या जाऊंगा। बोले ठीक। उसी हिसाब से रानी चली गई और रामनवमी का उत्सव भी किया और राजा जन्माष्टमी को उत्सव करके और ओरछा आ गए। राजा ने पत्र लिखा कि हम ओरछा आ गए, आप भी आए। रानी नहीं आई, फिर राजा ने पत्र भेजा कि अगर नहीं आती हो तो राम जी को ही लेके आओ। वो शब्द रानी को सही नहीं हुआ और कनक भवन में प्रार्थना की कि वो अवध में कनक भवन है वहाँ कि मेरे राजा हैं और पति भी हैं और राज दरबार में जो घोषणा हुई है उसका हमारा पालन करने का अधिकार है। जब कहीं कोई संकेत नहीं मिला तो आपने निर्णय किया कि अब शरीर क्यों रखा जाए जब पति की आज्ञा का उल्लंघन भी। उसी समय आपने सरयू जी में अपने शरीर को विलीन करना चाहा, तो प्राण त्यागना चाहा। उसी समय सरकार प्रकट हुई और हाथ पकड़ा। बोले कहा माँ ये क्या कर रही हूँ। बोले आप हैं कौन। बोले आप जिसकी इच्छा कर रहे थे हम वही हैं। बोले अगर आप हैं तो मेरे साथ ओरछा जाओ। ओरछा के राजा राम मंदिर का इतिहास। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं बल्कि मानव स्वरूप में राजा के रूप में की जाती है। यहां राजा राम मंदिर में नहीं बल्कि महल में विराजमान है। तो सरकार ने सेन अयोध्या के लिए दे दिया था सरकार के लिए और देवस ओरछा के लिए दे दिया कि दिन में ओरछा में राज करेंगे और सेन आप लोगों के साथ करेंगे। तो यहाँ पर मानता है कि सरकार दिन में राज करती है सेन अयोध्या। तो सरकार यहाँ जो है दिन में राज करने के बाद रात्रि बिहारी के जो है जो होती है वो फिर सरकार ज्योति स्वरूप में हनुमान मंदिर जाते हैं लेके और प्रसाद हनुमान जी को और माला लेके वहाँ सरकार को प्रसाद खिलाते हैं राम उनको हनुमान जी को तो माला पहनाते और जो है फिर वहाँ पर ज्योति रख के सब लोग वापस आ जाते हैं। चारों समय दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर। ओरछा का रामराजा मंदिर कई मायनों में अद्वितीय है। यहाँ प्रतिदिन पुलिस द्वारा चारों पहर राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। सूर्यास्त के बाद किसी भी वीआईपी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश नहीं करने की स्थापित रीति के बावजूद भगवान श्री राम को सूर्यास्त के बाद भी ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। यहाँ भी बहुत सारी तैयारियां चल रही हैं, कुछ भंडारे अंडारे भी होना है वास्तविक तो कुछ तैयारियां और भी चल रही हैं। यहाँ साथ भी होगा
और शायद हमने सुना है कि सीएम पूर्व सीएम शिवराज सिंह भी आ रहे हैं, इसलिए और सारी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन भी है। मंदिर की विशेषताएं, राजा राम मंदिर के पट समय से खुलते और बंद होते हैं। यहां दर्शन के लिए समय का विशेष ध्यान रखना होता है। यहां पिछले करीब 500 वर्षों से ये समय निर्धारित है, जो ऋतु परिवर्तन के अनुसार साल में दो बार बदलता है। मंदिर के पट बंद होने के बाद किसी भी वीआईपी तक को दर्शन करना नामुमकिन है। इसके लिए दर्शनार्थी को समय अनुसार पट खुलने का इंतजार करना होता है। हमारे यहाँ पूरी तैयारी एकदम दीपावली की तरह है। दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, घर को सजाया जाएगा और झालर वगैरह जो लाइटिंग वगैरह बहुत सारी चीज है, और पूरे हमारे आसपास पड़ोस में हर मंदिर में हर मोहल्ले में हर जगह ये तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। मेरा मैं बहुत गौरवान्वित हूँ कि भारत देश में मोदी जी की कृपा से ये बंधन लिया है, और मैं 22 तारीख को मैं और मेरा परिवार एक दीपावली के उत्सव को मनाएंगे, जहाँ गुरु राम राजा जी और राम राजा जी प्रतिष्ठा होगी, उसमें हम अपना घर को अपने मोहल्ले को दीपावली की तरह मनाएंगे। ये हो रहा है, बहुत दिन से इसका ड्यू था, चलिए वो मौका मिल रहा है और सब ये हमारे सामने हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात। यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया है, जहाँ ऐसी झांकी बनाई गई है जिसमें राजा राम का राज्याभिषेक दिखाया गया है, कैसे राजा राम अपना राज्य चलाते थे ये दर्शाया गया है। यहाँ शिव जी की कल्पना की गई, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, गणेश जी, ये सभी राज्याभिषेक में कैसे शामिल हुए थे ये दर्शाया गया। इस संग्रहालय के माध्यम से आप एक ही छत के नीचे त्रेता युग के दर्शन कर सकते हैं। दिवस ओरछा है वास, रैन अयोध्या वास। मान्यता है कि राजा राम दिन में ओरछा में राज करते हैं और सायकालीन आरती के बाद अयोध्या शयन विश्राम के लिए जाते हैं, जिसके लिए उनकी डोली सांकेतिक ज्योति के रूप में राजा राम मंदिर से पाताली हनुमान मंदिर में जाती है, जहां से हनुमान जी अपने प्रभु को अयोध्या ले जाते हैं। ओरछा से पांचजन की विशेष रिपोर्ट।